हेलो स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों की ट्राइंगल्स की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो इस वाले टॉपिक से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी और आजकल कुछ एग्जाम में इस पैटर्न पे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी आ जाता है वैसे वो आपका सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से भी वो क्वेश्चन हो सकता है या फिर एंगल बाइज सेक्टर वगैरह कुछ दिया है तो उससे भी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन अगर आपको ये टॉपिक मालूम है तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएगा ठीक है तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मास पॉइंट ज्योमेट्री ओ मैंने रिवील कर दिया ये yes, वैसे लिखा हुआ था यहां पे मैं मास पॉइंट ज्योमेट्री आज डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये Point, ये जो टॉपिक है फर्स्ट टाइम सुना होगा या फिर सुना होगा तो शायद सोचा होगा कि ठीक है इतना अच्छा टॉपिक नहीं है या इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो छोड़ देते होंगे ठीक है तो प्लीज आप पूरी वीडियो को देखना अच्छे से मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं आपके पास प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाली हूँ कुछ आप लोग ठीक है एज यूजल चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा मास पॉइंट ज्योमेट्री देखो मास पॉइंट थ्योरम ये सब हमने सुना था फिजिक्स में हम लोग करते थे लेकिन मैं इसको ज्योमेट्री में यूज करने वाली हूँ ठीक तो है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है छोटा सा डिस्कशन करते हैं ठीक है थ्योरम ज़्यादा बड़ी नहीं है पर बहुत इंटरेस्टिंग है देखो मास पॉइंट ज्योमेट्री आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताना कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास में एक रोड है ठीक है इस रोड पर यहाँ पर मैंने कोई ट्वेल्व के जी का वेट रख दिया और यहाँ भी मैंने मान लीजिए 12 के का कोई वेट रख दिया ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे इस रोड को बैलेंस करना है तो मुझे मिड में मिड में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं ऐसे डालूँ तो यहाँ से बैलेंस हो जाएगी ठीक है बहुत सिंपल सा सी सो हम लोग देखते हैं अगर अगर दोनों साइड मैंने 12 के जी ट्वेल्व के जी वेट रखा है और बीच में मैंने ऐसे यहाँ पे होल्ड किया तो ये बैलेंस हो जाएगा एकदम मिड में मींस यहाँ भी इक्वल पार्ट होगा वन पार्ट और यहाँ पर भी इक्वल पार्ट होगा ठीक है जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पे बीच में बीच में आपने ऐसे होल्ड किए हुए हैं यहाँ पे कोई वेट है 36 सिक्स के जी का और यहाँ पर भी कोई वेट है 36 सिक्स के जी का तो ये बैलेंस हो जाएगा ठीक है तो यहीं से कंसेप्ट समझने का ट्राई किया अब लॉजिक ये आया कि अगर ये 12 के जी है और ये 12 ना होके अगर मैं इसको 6 के जी कर दूँ ठीक है तो क्या ये बीच में अगर हम होल्ड करते हैं तो क्या ये यहाँ से बैलेंस हो पाएगा नो ठीक है आप लोगों ने सीशो भी देखा होगा एक साइड एक मोटा सा फैटी सा बच्चा बैठा हो एक साइड से पतला सा बच्चा बैठा हो तो आपका जो सीशो है वो ऐसे अप डाउन ऊपर नीचे हो जाता था ठीक है अब मुझे यहाँ पे क्या करना है मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है और इसी प्रॉपर्टी और इसी चीज को डिस्कस करने के लिए मास पॉइंट ज्योमेट्री आपकी हेल्प करने वाली है ठीक है तो इक्वल इक्वल वेट पे तो हमें समझ में आया तो बच्चे जब अगर एक साइड ट्वेल्व के वेट है एक साइड सिक्स के वेट है तो बहुत लॉजिकल सा कंसेप्ट है अगर मुझे इस रोड को पूरे रोड को अगर बैलेंस करना है तो मुझे होल्ड कहाँ पे करना होगा अगर इधर सिक्स है इधर ट्वेल्व है तो आप होल्ड ऐसे प्लेस पे करोगे कि जहां पे आपका रेशियो आपका रेशियो क्या बने सिक्स रिस्टू ट्व सिक्स रिस्टू ट्वेल्व आपका रेशियो बने दैट मीन्स वन रिस्ट टू टू का रेशियो बने तो आपकी जो रोड का आपकी रोड का वन पार्ट इस साइड में रहेगा ट्वेल्व की तरफ और आपकी रोड का टू पार्ट इस साइड में आ जाएगा तो आपका जो ये रोड है वो बैलेंस हो जाएगा ठीक है बहुत सिंपल सा लॉजिक है अगर आपको शायद समझ में भी आ गया होगा जैसे मान लो कि अगर इधर 36 सिक्स के जी का वेट है और इधर साइड में मैं ट्वेंटी सेवन के जी का वेट रखती हूं ठीक है और मुझे अगर इस रोड को बैलेंस करना है तो अब मिड में नहीं आएगी वैल्यू तो कहां पर आएगी वैल्यू आपकी वैल्यू आएगी जहां पे आप रेशियो देखिए रेशियो 36 का इस साइड चला जाएगा एंड 27 का इस साइड आ जाएगा तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन एंड नाइन फोर जा थर्टी सिक्स तो आपके आपको अपनी रोड पे बैलेंस जो होल्ड करना होगा वो थ्री पार्ट आपकी रोड का इस साइड में आएगा एंड फोर पार्ट आपकी रोड का इस साइड में आएगा तो बेसिकली बच्चे मैं क्या समझाने का ट्राई कर रही हूं कि आपको एक रोड बैलेंस करनी है ठीक है अगर डिफरेंट डिफरेंट वेट है तो उनकी जो रोड का रोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपोजिट रेशियो में हो जाएगा ठीक है वैसे मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं सिखाई लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहले से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है तो आपको याद होगा कि अगर हम यहाँ पे आपके पास एक लाइन है और लाइन के अगर कोऑर्डिनेट्स होते थे x1 y1 x2 y2 तो और ये रेशियो था m और n का तो m का मल्टीप्लाई इसके साथ होता था और n का मल्टीप्लाई इसके साथ ठीक है तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं इस चीज़ को तो बेसिकली हमें रोड बैलेंस करनी है अब जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपके पास में आपके पास में ये रोड है ठीक है यहाँ पे आपने वेट रखा हुआ है फोर्टी के का और यहाँ पे आपने वेट रखा हुआ है थर्टी के का और अगर आपको ये रोड बैलेंस करनी है तो आपको होल्ड कहाँ पे करना होगा थ्री पार्ट रोड का फोर्टी के साइड में आएगा एंड फोर पार्ट आपका रोड का थर्टी के साइड में आएगा ठीक है तो आपको तो बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे कि 12 इंटू वन टू वन शुड बी इक्वल टू सिक्स इंटू टू इन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए अभी आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि मैं इसको ट्राइंगल में कैसे यूज करने वाली हूँ ठीक है अभी देखना जैसे यहाँ पे देखो 36 सिक्स इंटू थ्री एंड ट्वेंटी सेवन इंटू फोर ये आपका इक्वल है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जहाँ पे पॉइंट है आपका जो रेशियो है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा या फिर अगर आप इसको दूसरे वे में देखो ठीक है तो ये तो हुआ मेरा एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के बाद इसको थोड़ा नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज में आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास में एक रॉड है यहां पे आपने वेट रखा हुआ है ए के और यहां पे आपने वेट रखा हुआ है बी के जी. ठीक है और जो आपने यहां पे होल्ड किया हुआ है तो ये रेशियो मान लीजिए एक्स है और ये रेशियो मान लीजिए वाई है तो आपका मास पॉइंट ज्योमेट्री बोलती है कि a इन टू एक्स इज शुड बी इक्वल टू बी y ये होना चाहिए ठीक है ए एक्स इज इक्वल टू बी इन टू तब आपकी रोड जो है वो पूरी बैलेंस हो जाएगी फर्स्ट थिंग तो मैं बोल सकती हूँ कि a अपॉन b का रेशियो क्या बनेगा a अपॉन b का रेशियो आ जाएगा आपका y अपॉन x दैट मीन्स जो आपके वेट का रेशियो है उसका इनवर्स आपका रोड का या जो आपकी लाइन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो आपके वेट का रेशियो है वो आप उसका इनवर्स रेशियो आपकी लाइन के रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है तो फर्स्ट रिलेशन तो ये समझ में है. Relation, आपको ये ध्यान रखनी है कि जहां पर आप इसको बैलेंस करोगे वो वो वेट वेट होगा होगा आपका A plus B. होगा आपका A plus B. तो इतनी सी मास पॉइंट ज्योमेट्री है लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि मैम ने क्या बोला है आपको क्लियर इमेज आएगी क्लियर पिक्चर आएगी जब मैं एग्जाम्पल लेके सॉल्व करूंगी इसको ठीक है तो अभी के लिए इतना याद रखो आपके पास एक रोड है एक साइड में अगर ए के वेट है एक साइड में बी केजी वेट है तो उनकी जो ए, रोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनके इनवर्स रेशियो में चला जाएगा ठीक है आपको जितना भी क्लियर हुआ है अभी मैं एग्जांपल देखती हूँ तो एग्जांपल से हंड्रेड एंड टेन टेन आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इसमें ठीक है इतना क्लियर है तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ तो आपके पास में फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेके आई हूं आपके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक ट्राइंगल गिवन है बच्चे ठीक है ये आपके पास A, B, यहां पे आपको दो पॉइंट दिए हैं ऐसे करके ये एक लाइन दी है ये एक लाइन दी है ये पॉइंट गिवन है आपको डी और ये पॉइंट आपको गिवन है ई e. ठीक है और आपको रेशियो गिवन है आपको रेशियो गिवन है ए डी रिज बी डी का रेशियो गिवन है थ्री रिज टू एंड एर ई सी का रेशियो गिवन है आप लोगों को वन रिस्टू थ्री आपको रेशियो फाइंड आउट करना है बी एफ और ई एफ का रेशियो एंड सेकेंड आपको डी एफ और सी एफ का रेशियो फाइंड आउट करना है एंड सी डी एंड बी आर द सिंपल लाइन वो कुछ एंगल बाई सेक्टर ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करती हूँ तो देखिए बहुत सिंपल वे में मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे CD और BE दो लाइन दी है अब आप सोचोगे कि कुछ हमने मास पॉइंट ज्योमेट्री जैसा देखा था मास पॉइंट ज्योमेट्री को जब तक आप एग्जाम्पल में अप्लाई नहीं करते ना तब तक माइंड में सेट नहीं होती वो तो यहाँ पे देखो AD और BD का रेशियो कितना है 3:2 और AE और EC का रेशियो कितना है 1:3 राइट right? अब आपको रेशियो बताना है BF आ, ये ये पॉइंट आपका एफ है तो बी एफ रिस्ट टू ई एफ और डी एफ रिज टू सी एफ अगर आपको किसी लाइन में रेशियो वगैरह निकालना हो तो एक बार ट्राई कर लेना माइट भी वहाँ पे मास पॉइंट ज्योमेट्री लग जाए चलिए तो यहाँ पे देखते हैं अब आप एक चीज़ सोचो कि अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो आपके पास में ये एक रॉड है ए बी या फिर एक लाइन है और ये किस रेशियो में डिवाइड हो रही है थ्री टू में थ्री रेस्टो टू में तो अगर ये टू पार्ट है ये थ्री पार्ट है तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए राइट तो यहां पर मैं मान लीजिए यहां पे मैं मल्टीप्लाई करती हूं इन थ्री से और यहां पे मैं मल्टीप्लाई करती हूं इंटू टू से ये आपका बैलेंस हो गया थ्री इंटू टू एंड थ्री इंटू टू मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक रॉड है यहां पे ए के जी वेट है यहां पे बी के जी वेट है तो आपका और ये एक्स है ये वाई तो एक्स इज शुड बी इक्वल टू बी वाई ये मैंने आपको समझाया था बस यही प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज कर देंगे ठीक है तो दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस क्लियर है इतना तो ये हो जाएगा आपके पास में थ्री ये हो जाएगा आपके पास में टू क्लियर अब हम इस लाइन पे आते हैं अब ये टू इंटू वन ये कितना बन गया टू हो गया तो ये भी टू होना चाहिए लेकिन यहां तो थ्री है तो मैं क्या करूंगी यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी टू बाई थ्री से बैलेंस हो गया ठीक है यहां पे थ्री इंटू टू यहां पे थ्री इंटू टू दिस इज टू इंटू वन एंड दिस इज टू थ्री इंटू टू बाई थ्री बैलेंस हो चुका है ठीक है अब मैं इसको थोड़ा यहां पे ज्वाइन कर देती हूँ क्लियर अब बच्चे आपको रेशियो कौन सा फाइंड आउट करना है आपको रेशियो फाइंड आउट करना है बीएफ और एफई का तो आपके पास ये रेशियो अब आपके पास ये वेट तो मालूम है ये वेट तो आपके पास पता है थ्री है तो ये वेट भी अगर मुझे मिल जाए तो बस रेशियो निकल आएगा और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई रॉड है और ये 1 केजी है और ये b केजी है जहां पर भी होल्ड किया हुआ है वो वेट आपका a b होगा तो इसका मतलब है यहां ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टू प्लस टू टू प्लस टू बाई थ्री ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में टू प्लस टू बाई थ्री दैट मीन थ्री टू थ्री इंटू टू सिक्स और एट तो ये हो जाएगा आपके पास एट बाई थ्री ठीक है हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया बहुत बहुत सिंपल सा मास पॉइंट ज्योमेट्री से सॉल्व हो गया तो आपको फाइंड आउट करना है बी एफ अपॉन एफ ई और रेशियो क्या होगा इनवर्स रेशियो हो जाएगा इनवर्स रेशियो वेट का इनवर्स मैं इसको वेट यहां पे कंसिडर कर रही हूं तो जब आप इनवर्स रेशियो करोगे तो बी एफ की साइड में ये वाली वैल्यू आएगी एट बाई थ्री एंड एफ ई की साइड में ये वाली वैल्यू आएगी तो आंसर हो जाएगा आपके पास में एट बाई नाइन देखो कितना सिंपल कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ठीक है अब मैं सिमिलरली फाइंड आउट करूंगी डी एफ और सी एफ का तो ये वाला वेट तो मेरे पास में है टू बाई थ्री तो मुझे यहाँ पर भी मुझे वेट तो मुझे निकालना है डी एफ अपोन सी एफ का वैल्यू ठीक है तो ये वाला वेट है मेरे पास में टू एंड दिस इज थ्री तो ये वेट कितना हो जाएगा टू प्लस सॉरी टू प्लस थ्री ये हो जाएगा फाइव तो आपको चाहिए डी एफ और सी एफ का रेशियो तो उनके वेट के इनवर्स रेशियो में होगा तो अगर ये डी एफ है तो वेट ये आएगा टू बाई थ्री और अगर सी एफ ये है तो वेट ये आएगा इन टू फाइव तो आंसर हो जाएगा आपके पास में टू अपॉन फिफ्टीन

टू प्लस टू बाई थ्री ई पे वेट आएगा एंड टू और थ्री डी पे वेट आएगा और वेट का इनवर्स रेशियो ही उनके रोड के डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन के रेशियो में जाएगा क्लियर है इतना क्वेश्चन आप पूरी वीडियो देखना क्योंकि मैं अभी कुछ और बाकी हैं ठीक है थीके? इसमें तो वो मैं सिखाने वाली हूं आप लोगों को क्लियर है ये चलिए तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सेकेंड सेकेंड एग्जाम्पल की साइड को हम लोग जाएंगे आप ठीक है हम लोगों ने समझा अब मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपके लिए लेके आई हूं आपको एक चीज का ध्यान रखना है पूरा वीडियो देखना क्योंकि मैं बीच में एक कंसेप्ट और अच्छा वाला आपको सिखाने वाली हूं ठीक है तो ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पे आपको दिया है ए -E, यहाँ पे आपको दिया है बी एफ और यहाँ पे आपको दिया है सी डी और ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और आपको रेशिया भी गिवन है ए ओ EO और OE का रेशियो है 5:4 CO और OD का रेशियो है 3:2 और आपको फाइंड आउट करना है BO और OF का रेशियो अभी देखना हम इस क्वेश्चन को कितने सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे अब बच्चे पहले वाले क्वेश्चन में जो दोनों लाइन थी वो किसी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी मतलब सेम पॉइंट पे वेट को होल्ड नहीं किया था लेकिन यहां पे AE और जो D आ, ए और जो बी एफ है वो एक पे और सी डी एक ही कॉमन पॉइंट पे वेट जा रहा है उनका तो आपको जो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये रॉड है ये ए वेट है ये बी वेट है तो जो हाँ पे होल्ड किया गया है वो वेट ए प्लस बी होगा इस कंडीशन को आपको भूलना नहीं है ए प्लस बी के इक्वल होना चाहिए क्योंकि अगर वेट इक्वल नहीं हुआ मतलब आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो तो डू वन थिंग यहाँ पे फाइव दिया है यहाँ पे फोर तो फाइव फोर नाइन और पे दिया है थ्री और टू मतलब फाइव तो नाइन और फाइव मतलब मैं पे वेट कर लीजिए उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ठीक है तो अगर मैंने यहां पे वेट रख लिया फोर्टी फाइव तो क्या होगा अब देखो आपका जो वेट है फोर्टी फाइव वो इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब यहां पे आएगी फाइव पार्ट वैल्यू और यहां पे आएगी फोर पार्ट वैल्यू इनवर्स रेशियो में तो ये आ जाएगा ई पॉइंट पे आ जाएगा आपका 25 एंड 5 पॉइंट पे आ जाएगा 20 मैच कर लीजिए ट्वेंटी इंटू फाइव इज हंड्रेड फोर इंटू ट्वेंटी हो गया अब हम इस वाले पे आते हैं थ्री इज टू टू तो वेट क्या होगा वेट इनवर्स रेशियो में हो जाएगा यहां पे थ्री पार्ट आएगा यहाँ पे टू पार्ट आएगा तो वन पार्ट की वैल्यू नाइन है ठीक है तो थ्री पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन और ये हो जाएगा आपके पास में एटीन ठीक है इतना बैलेंस हो गया आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व देखो ट्वेंटी एंड एटीन तो एफ पे कितनी वैल्यू आएगी एफ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी थर्टी एट यहाँ पे देखो दिस इज ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी सेवन तो बी पे वैल्यू कितनी आएगी सेवन अब आपको रेशियो किसका फाइंड आउट करना था आपको रेशियो फाइंड आउट करना था बी ओ और ओ एफ का रेशियो ठीक है तो बी और ओ एफ का रेशियो इनवर्स रेशियो में चला जाएगा वेट के तो इधर पार्ट बी की साइड में आएगा थर्टी एट एंड ओ एफ की साइड में आएगा सेवन तो थर्टी एट इज सेवन इज द आंसर ये आपके आए हुए क्वेश्चन आए हुए एग्जाम का क्वेश्चन है तो देखो कितने इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया जहां पर कॉमन पॉइंट पे वेट नहीं था सेकेंड मैंने आपको बताया जहां पर कॉमन पॉइंट पे आपको वेट निकालना हो तो कैसे करेंगे थर्ड क्वेश्चन भी मेरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं उसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ ठीक है क्लियर चलिए ठीक है तो हमें थर्ड क्वेश्चन को मतलब मैंने आपको बाकी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में दिए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी देखो अगर मान लीजिए और ये 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 जो लॉजिक है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताओ अगर यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की और वो इसको टू रेस्ट टू थ्री के रेशियो में डिवाइड कर रही है तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये वाला जो एरिया है एंड दिस एरिया ये एरिया भी आपका टू रिस्ट टू थ्री में डिवाइड होगा आप बोलेंगे कैसे देखो बहुत सिंपल सी बात अगर आपने मान लीजिए ये है ए बी सी और दिस पॉइंट इज डी क्लियर अगर आप ए बी डी का एरिया निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी तो अगर आप ए बी डी का एरिया निकालोगे तो क्या होगा हाफ बेस कितना है बेस है आपका टू चलो मैं इसको एक्स लिख लेती हूँ एंड हाइट बच्चे अगर आप इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो इसमें मान लो मैंने हाइट ले लिया एच ठीक है तो ये हाइट हो जाएगी आपकी एच अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूंगी ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी तो ए डी सी के लिए भी एरिया हाफ यहाँ पे बेस कितना है यहाँ पे बेस हो जाएगा थ्री एक्स जब ये ट्राइंगल एबीसी के अंदर ही है तो क्या हाइट चेंज होगी हाइट सेम रहेगा हा। तो ये हो जाएगा इन टू एच तो एच से एच कैंसिल हाफ से हाफ कैंसिल एक्स से एक्स कैंसिल तो आपको ये चीज याद रखनी है किसी ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा और ये आपके डेफिनेटली काफी सारे क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है अब इसे क्वेश्चन पे डिपेंड है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है उसमें मैं मास पॉइंट ज्योमेट्री भी यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ठीक है और यहां पे मैं आपके लिए ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे यूज करने वाली हूँ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है देखना आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है ठीक है आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है ए बी और सी ठीक है यहाँ पे एक लाइन गिवन है आपको सी डी और यहाँ पे एक लाइन गिवन है आपको बी ई और यहाँ पे एरिया गिवन है ये एरिया है आपका टेन यूनिट दिस एरिया इज ट्वेंटी यूनिट एंड दिस एरिया इज सिक्सटीन यूनिट और आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाडिलेटरल ए ए डी और ये पॉइंट है एफ तो आपको क्वाड्रिलेट्रल का एरिया बताना है ए डी एफ ई अब देखो मैं कोई फॉर्मूला लगाए बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी देखते हैं कैसे ठीक है तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना एक चीज अभी अभी मैंने आपको क्या लॉजिक बताया कि जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है अगर बच्चे ये टेन है ये ट्वेंटी है तो क्या मैं बोल सकती हूं कि ये वाली जो लाइन होगी ये वन टू में होगी बोल सकती हूँ क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहां पे डी एफ और एफ सी का रेशियो जो होगा वो वन रिस्टू टू के रेशियो में होगा क्योंकि एरिया का जो रेशियो है बेस का भी वही रेशियो होगा ओके okay, अब आप आ जाइए इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल ध्यान से देखना एफ ई सी और बी एफ सी आप मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं बी एफ सी और एफ ई सी अगर ये 16 एरिया है और ये 20 एरिया है तो आपका जो आपके जो वैल्यू होगी यहाँ पे बी एफ और एफ ई e, ये भी तो इसी रेशियो में डिवाइड होगी ना ट्वेंटी रिज टू सिक्स तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूं कि ये रेशियो कितना होगा ये रेशियो होगा फाइव रिज टू फोर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीडियो को चाहे दोबारा से देख लेना एक बार तो ये है आपके पास में ट्वेंटी यूनिट एरिया दिस वॉज दिक्सटीन यूनिट एरिया तो आपका साइड भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा तो ये रेशियो जाएगा आपका फाइव रिज टू फोर क्या अब मैं इस क्या मैं अभी यहां पे थोड़ा सा आप देख पा रहे हो तो मैंने रेशियो लिख दिया है डी एफ और एफ सी का रेशियो वन रिश टू टू एंड बी एफ और एफ का रेशियो फाइव रिश टू फोर अब आपका क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा अभी देखना कैसे करेंगे हम लोग फिर से ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अगर वो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो वेट भी वहां पे कॉमन होना चाहिए तो हम कॉमन वेट के लिए कैसे करते थे वन प्लस टू मतलब ये है थ्री और फाइव प्लस फोर मतलब ये है नाइन तो थ्री और नाइन का एलसीएम ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मान लीजिए मैंने यहां पे वैल्यू रख दी नाइन आई होप आपको विजिबल होगा यहां पे मैंने वैल्यू रख दी नाइन तो अगर ये नाइन है तो रिवर्स रेशियो में जाएगा तो ये वैल्यू डी पे पॉइंट आ जाएगा आपका सिक्स और यहां पे पॉइंट आ जाएगा आपका थ्री क्योंकि आपका जो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस इक्वल होना चाहिए अब यहां पे ये फाइव और फोर नाइन है तो यहां पे आप नाइन के लिए क्या करोगे रिवर्स रेशियो में चला जाएगा मतलब ई e पे वेट आ जाएगा फाइव एंड बी पे वेट आ जाएगा फोर आपको वेट क्लियर है यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5. करके चेक कर लेना 5 प्लस 4, 9, 6 प्लस 3, 9. क्लियर है वेट इक्वल है चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे क्या मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर लू यहां पे मैंने ए एफ को ज्वाइन कर लिया मैंने ए एफ को ज्वाइन किया अब एक बात बताओ अगर ये फोर है ये सिक्स है तो ए पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो हो हो मतलब फिर से बता देती हूँ ये सिक्स था ये फोर था तो मतलब ये आपका टू होगा ये टू वेट है ये फोर वेट है तो रोड क्या होगा इनवर्स रेशियो में जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन रेशियो जाएगा टू इज टू वन का ओके तो बच्चे मैंने अभी अभी क्या समझाया था जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में आपका एरिया डिवाइड होगा तो वन की वैल्यू टेन है तो टू की वैल्यू कितनी होगी तो टू का वैल्यू जाएगा आपके पास में ट्वेंटी तो ये वाला वेट आ गया मेरे पास ट्वेंटी अब इस वाले रेशियो में आ जाओ ये टू है ये फाइव है ये थ्री है बैलेंस थ्री प्लस टू फाइव तो मुझे ये बात बताओ कि ये फाइव है तो रेशियो किस रेशियो में जाएगा रेशियो जाएगा थ्री रिज टू टू में रेशियो जाएगा थ्री रिज टू टू में और टू की वैल्यू कितनी है टू की वैल्यू है सिक्सटीन एरिया था तो थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर थ्री का वैल्यू हो जाएगा ट्वेंटी फोर आपको यहाँ पे एरिया बताना था क्वाड्रिलेटरल ए डी एफ ई e का तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा आपका ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू फोर्टी फोर मैं एक क्वेश्चन और समझाने वाली हूं एरिया का तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बाकी क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे तो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने कंसेप्ट लगाया कि जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में आपका एरिया डिवाइड हो जाएगा मुझे एरिया गिवन था तो मैंने बेस का रेशियो बना लिया फिर मैंने वहां पे मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाई उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये रेशियो वन ये तू, तो तू टू तो टू का वैल्यू ट्वेंटी यहां पे थ्री रेस टू टू क्योंकि इनवर्स रेशियो आ जाएगा तो टू का वैल्यू सिक्सटीन तो थ्री का वैल्यू ट्वेंटी फोर क्लियर है एक क्वेश्चन और समझाऊंगी उसके बाद आपके लिए होंगे सारे क्वेश्चन क्लियर अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखना वीडियो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फोर भी मैं आपको एरिया के कंसेप्ट से ही समझाने वाली हूं ताकि आपको एरिया जिस जिस रेशियो में हमने बेस को डिवाइड किया उसी में एरिया डिवाइड होता है ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा और मास पॉइंट ज्योमेट्री भी ठीक है तो क्वेश्चन है आपके पास में आपको एक ट्राइंगल गिवन है ए बी और सी यहां पे आपको तीन सीवियंस दी हुई है ठीक है तो ये है आपके पास में डी दिस इज बी एंड दिस इज एफ ये किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है और आपको यहां पे एरिया दे दिया है मान लीजिए ये एरिया आपको गिवन है फोर्टी एंड ये एरिया आपको गिवन है थर्टी एंड दिस एरिया इज थर्टी फाइव ठीक है आपको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा अब देखो बहुत मतलब मैं बोल सकती हूँ कि सीओ और ओ एफ का जो रेशियो है वो होगा आपके पास में थ्री रिस्टू फोर क्लियर इतना अब आ जाओ आप इन दोनों एरिया पे इन दोनों एरिया पे थर्टी और थर्टी फाइव तो यहाँ पे जिस रेशियो में आपका एरिया डिवाइड है उसी रेशियो में आपका बेस डिवाइड होगा तो यहाँ पे BO और OF की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बनेगा रेशियो थर्टी रेस टू थर्टी मतलब फाइव सिक्स एंड फाइव सेवन तो ये रेशियो हो जाएगा आपका सिक्स रेस टू सेवन का क्लियर है इतना अब मुझे एक बात बताइए अगर बच्चे ये फोर रेस टू थ्री है मतलब फोर और थ्री सेवन ये सेवन और सिक्स थर्टीन तो आपको ऐसा वेट लेना होगा जो इक्वल बने तो इन दोनों का एलसीएम ले लो थर्टीन सेवन जा कितना होता है थर्टीन सेवन जा कितना होता है तो यहां पे आप ये वैल्यू ले लोगे यहां पे कॉमन वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो थर्टीन सेवन 91 वन तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 91 वन और किस रेशियो में डिवाइड होगा तो 91 वन मतलब वन का वैल्यू कितना होगा सिक्स और सेवन इज थर्टीन वन का वैल्यू सेवन तो सेवन इंटू सेवन ये आएगा फोर्टी नाइन इधर एंड सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू आएगा इधर एड करके चेक करो फोर्टी नाइन प्लस फोर्टी टू नाइनटी वन बन रहा है येस अब ये नाइनटी वन फोर इज टू थ्री तो ये थ्री पार्ट इधर और फोर पार्ट इधर आ जाएगा ठीक है तो ये आ जाएगा थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन और ये आ जाएगा थर्टीन फोर जा कितना यहाँ पे थर्टीन हाँ थर्टीन फोर जा आ जाएगा आपके पास में फिफ्टी टू ठीक है क्लियर हुआ इतना तो थर्टी नाइन और फिफ्टी टू कितना नाइन्टी वन ये भी बैलेंस्ड है ये भी बैलेंस है तो अब आपके पास में ये देखो यहाँ पे अगर फोर्टी नाइन है ये थर्टी नाइन है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी टेन क्लियर इतना अब अगर ये टेन है और ये फोर्टी नाइन है तो किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा किस रेशियो में रिवर्स रेशियो हो जाएगा तो मैं यहां पे बोल सकती हूं आपको कि ए एफ बी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका फोर्टी नाइन टेन का रेशियो और आपको एफ बी मतलब ये वाला बेस इसकी वैल्यू दी है आपको फोर्टी एरिया की तो टेन की वैल्यू फोर्टी वन की वैल्यू फोर तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास में फोर्टी नाइन इंटू फोर ठीक है सिमिलरली आप यहां पे फाइंड आउट करोगे इनवर्स रेशियो हो जाएगा इनवर्स रेशियो मतलब आपका ए सी का रेशियो हो जाएगा ये फिफ्टी टू इधर चला जाएगा और टेन इधर आ जाएगा और टेन की वैल्यू कितनी है थर्टी फाइव तो आप यहां से ये वाला एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो और इस टोटल को आप समेशन करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा तो हम लोगों ने क्या सीखा है मास पॉइंट ज्योमेट्री और ये वाला कंसेप्ट कि जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में एरिया भी जाएगा चार एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए हैं बाकी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए आप उसको ध्यान से देखना सॉल्व करने का ट्राई करना कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो ठीक है आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा और एक बार समझने का ट्राई करना मैं सीरियसली बोल रही हूं कि ट्रेंडिंग में है काफी सारे क्वेश्चन इससे बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं ठीक है चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं थैंक यू सो मच